क्लास, आज मैं क्लास सिक्स के चैप्टर में एक्सरसाइज 5.5 बताने जा रहा हूं, जो कि कल मैंने कल के वीडियो में बताया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन को बताएं, तो ठीक है उसी के बेस पे आज कुछ क्वेश्चन बताता हूं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है 3/8 + 1/8 + 5/8, अब इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि सारा डिनोमिनेटर सेम है, सारा का सारा डिनोमिनेटर सेम है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले सारा का सारा डिनोमिनेटर कॉमन करके यहां पर हमने 8 लिख दिया। अब क्या करना है कि जितना भी न्यूमिरेटर है इसको आपको सम कर देना है। क्यों सम कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन ही सम का है। 3 + 1 = 4, 4 + 5 ये हो गया 9, इसका आंसर हो गया 9/8। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, आप देख रहे हो 8/9 है और यहाँ 5/12 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान ये दे रहे हैं कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका डिनोमिनेटर 12 है, जो कि दोनों ही अलग है, तो यहाँ कॉमन हो नहीं रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, 9 और 12। चलिए, तो इन दोनों में कॉमन करने वाली बात है कि 3 के टेबल से दोनों फैक्टर हो रहा है, कट रहा है, तो 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 के टेबल में 12 4 बार। अब ये दोनों कट रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल से। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, 3 × 3 × 4, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। अब हम यहां पर 36 लिखते हैं। अब क्या करना है, यहां कितना है 9, आप देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9, बच रहा है क्या 4, तो 4 को इस 8 से गुना कर देना है। फिर से देख लीजिए 9 है, हम 3 × 3 = 9 होता है, रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है, यहां 4 बच रहा है ना, तो 4 से आप इसको गुना कर दीजिए, तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो हो गया 32 प्लस। अब आइए यहां देख रहे हैं 12, तो 4 × 3 = 12 होगा, यानी कितना 3, 3 से इसको गुना कर दिए, 3 × 5 = 15। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 5 × 2 = 7, 3 + 1 = 4, और ये मेरा 30, ये हो गया मेरा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 5 upon 2/4, 2 upon 4/5, 1 upon 3/10, 3 upon 1/15। तो देखिए सबसे पहले करना क्या, आप इसको क्रॉस सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 = 10, 10 + 4 = 5 × 10 + 4 = 14, 10 × 1 = 10 + 3 = 13/10, 15 × 3 = 45, और इसको ऐड कर दिया 46/15। फिर से देख लीजिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, अब जो 10 आया उसमें मैंने इस 4 को क्या किया है, ऐड किया है, 5 × 2 = 10 + 4 = 14, डिनोमिनेटर जैसे था वैसे लिख दिया, 10 × 1 = 10 + 3 = 13, जैसे डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर लिख दिया, 5 × 3 = 45 + 1 = 46। अब इस 5, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, यहां पर देख लीजिए एलसीएम किस तरह से निकल रहा है, 5, 10, 15, 5 के टेबल से सब फैक्टर हो रहा है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। अब आते हैं पहले कौन है डिनोमिनेटर में, 5,
चलिए इस 5 को अपना छोड़ देते हैं, अब बाकी देखते हैं। 3 2 6 यानी 6 बच रहा है, तो 14 को किससे गुणा करेंगे? 6 प्लस था प्लस, अब आइए 10 है तो 5 2 10 होता है। अब पूरा ले लेते हैं क्योंकि 1 से गुणा करने तो उतना ही होगा। 5 2 10 कितना बच रहा है? 3। इस 3 को 13 से गुणा कर दिया, प्लस तो प्लस, 15। 5 3 15 कितना बच रहा है आपके पास? 2। तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, 46 into 2। चलिए कितना है मेरा एलसीएम? रिमाइंडर में 30। अब आइए जनरली 6 4 24, 6 4 24, 2 6 1 6 और 2 8, 3 को 3 से कर दिया 39, 4 6 भले 2 को 6 से किया 12, 4 2 8 और एक हासिल जो था वो ले लिया और ये 30। अब जनरली आप समझ चुके होंगे इन सब को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलिए 9 2 11, 11 4 15, 1 रिमाइंडर था हासिल है, चलिए 1 को इसमें ऐड कर दिया, 10, 13, 13 और 8, 20, ये इसका आंसर हो गया। आप इतना छोड़ भी सकते हो या आप इसको फैक्टर भी कर सकते हो, लेकिन देखना यह है कि दोनों एक टेबल से कटना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले 5 6 2 नहीं कट रहा, छोड़ देगी इसका आंसर। चलिए सबसे पहले अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। चलिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन था, इसमें से सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन अराइज किया है। जनरली जिस तरह से प्लस वन में था उसी तरह से सिर्फ माइनस है। 12 और 12 का डिनोमिनेटर कॉमन था इसलिए मैंने 12 सीधा लिख दिया। अब यहां पर प्लस की जगह यहां सब्ट्रैक्ट है, सम की जगह। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचा? 4। अब आपको यहां पे देख रहे होंगे कि 4 1 4 होता है और 4 3 12 होता है। इस 4 को इस 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो इसका मेन जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 1/3। 4 1 4, 4 3 12, इसका आंसर हुआ 1/3। कटेगा तो काट देना है, इसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप उसको बनाना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई इच ऑफ द फ्लोइंग। हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है जितना भी क्वेश्चन दे रहा है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन ए और डी को चूज किया है, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। चलिए अब इसको आते हैं, सबसे पहले वही रूल इससे जिसमें समय बताया था, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 प्लस 1 37/6, 3 3 9 प्लस 1 10/3, 5 5 25, 25 में 1 को ऐड कर दीजिए। अब हम यहां एलसीएम निकालेंगे, चलिए अब हम एलसीएम निकालेंगे 6 3 5 का, 6 3 5। आप यहां पर देख रहे होंगे 3 डिजिट है 6 3 5, तो देखना यह है कि 3 डिजिट है तो कम से कम उसमें 2 तो कटना चाहिए, अगर 4 डिजिट है तो कम से कम उसमें 3 कटना चाहिए। चलिए हम यहां पे देखते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में और ये 1 बार में, 5 जैसे था वैसे छोड़ दिया। अब हम इसको इनटू कर देंगे, 3 × 2 × 5, 1 को आप मल्टीप्लाई करके शो कीजिए ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 6, 6 5 30, इसका एलसीएम 30। 6 यानी 3 × 2 करेंगे तो 6 होता है, कितना बचा? 5।
फाइव से इसको गुणा है। आइए यहाँ है थ्री, थ्री को अपना रख लिया, कितना बचा टेन, तो टेन को टेन से गुणा करेंगे, जनरली सबको जानता है हंड्रेड। आइए यहाँ कितना बचा हुआ है फाइव, कितना है ये सिक्स, तो ट्वेंटी सिक्स को सिक्स से गुणा करेंगे, चलिए अब जनरली अब यहां पे चलते हैं, 5 को 7 से 35, 3 बचा हुआ है, 5 3 सा 15, 15 और 3 ऐड कर दिया 18, प्लस 100 माइनस 66 36, ये मेरा 6 लिखा गया बचा 3, 6 टू द 12, 12 और 3 बचा हुआ जो था उसको ऐड कर दिया 50। अब हम क्या करेंगे, हमको साफ पता है कि इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए 85 में इनको जोड़ा 85, 1 को 1 जोड़ा 2, माइनस 156 बाय 30। चलिए अब आप यहां पर जनरली कर सकते हो, इसमें से इसको सिर्फ लेस कर देना है और बटा 30 जो आएगा वो मेरा आंसर है।